नमस्कार, आपने बाबा भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन किए। अब इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, वहाँ पे एक और मंदिर है, वहाँ के दर्शन करेंगे। और रास्ता आप लोग गोप्रो से देख लीजिए कैसा रास्ता है और कैसे जाएंगे, क्योंकि आपने अगर स्टार्टिंग के दो वीडियो ने देखे हैं तो पूरी सीरीज़ में ही कंबाइन है। जो पहले वीडियो से मैं घर से पूरा दिखाते हुए ला रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको आना है, यहाँ तक कैसे आना था, ये पिछले वीडियो में पंडित जी ने बता दिया आपको। और अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा उससे भी आपको पता चल गया हो कैसे आना है। सो अब चलते हैं आगे। सो गोप्रो से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और आपको रास्ता भी दिखा दूंगा और मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। चलिए हेलमेट ले लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ चलते हैं जहाँ पे पापा जी ने बेसिकली हम पिछले दो वीडियो में जो हम लोगों ने मंदिरों दर्शन किए वो वाले मंदिर नहीं थे जो पापा जी ने बताया। पापा जी ने जो बताया है अब वहाँ चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं वहाँ पहुँच सकेंगे। अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो पापा जी कॉल करेंगे। पापा जी ने ये बताया कि जो पिपलेश्वर महादेव मंदिर जो आपको आगे ये दिख रहा है, इससे चौराहा क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पेट्रोल पम्प के आसपास है वो, तो ये पापा ने मुझे कन्फर्म करके बताया था। तो अब मैं ज़रा जाके एक बार चेक करता हूँ कि वो है कहाँ पे, क्योंकि वो पापा ने जो बताया कि बेसिकली वो फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर है, ग्राउंड फ्लोर पे वो मंदिर ही नहीं, तो उसके लिए आपको जाना ऊपर पड़ेगा। सो अब मैं थोड़ा ध्यान से देखते हुए ऊपर जाऊँगा। सो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मंदिर पता नहीं है कहाँ पे मुझे, मैं बस सर्च कर रहा हूँ। यहीं पापा बताया कि इसी साइड पे कहीं मंदिर है, इस साइड पे कहीं मंदिर है। सो ये रहा वो मंदिर। सो बहुत ढूंढने के बाद मंदिर के पास हम समय पहुंच चुके हैं। ये बेसिकली मंदिर मेरे को घर से ही लगे हुए हैं तो इसे पता नहीं चल रहा था। ऊपर साइड में इसका बाहर से कुछ मतलब ऐसा पता नहीं चला, कोई बोर्ड वोर्ड नहीं दिख रहा था और पेड़ लगे हुए हैं इसलिए और नहीं पता चल रहा था। आखिरकार हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। तो इस मंदिर का जो नाम है वो है श्री महाशिव काली माता मंदिर। तो ये माँ काली जी का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय हो प्रभु जय। जय हो प्रभु। चप्पल ऊपर उतारनी है क्या? यहाँ चलिए चलते हैं अंदर। जय हो प्रभु जय। और यहाँ पे जो घंटा लगा है उसके लिए पूरी रस्सी बनी हुई है। चलिए चलते हैं। जय हो प्रभु जय काली माता की, जय माता काली। जय माँ काली, जय जय माँ, जय माता रानी, जय माँ काली।
आइए मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। जय माता रानी, जय। जय हो प्रभु, जय हो। समीप ही आपको भगवान हनुमान जी के दर्शन होते हैं। जय सिया राम, ओम हनुमते नमः। जय हो हनुमान। यहाँ पे आपको श्री वैभव लक्ष्मी माता जी के दर्शन होते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माँ। यहाँ पे आपको बहुत ही विशाल नंदी बाबा के दर्शन होते हैं। जय हो नंदी बाबा। अगर नंदी बाबा हैं तो भोले बाबा भी होंगे, और ये रहे भोले बाबा। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करें, यहाँ पे बहुत ही अद्भुत कारीगरी की गई है, मूर्तियाँ बनाई गई हैं दीवालों पे। जय हो प्रभु, जय। अर्धनारेश्वर भोले बाबा के दर्शन। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय जय भोले बाबा, जय भोले जय भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। यहाँ पे आपको श्री दुर्गा माता जी की जय, माँ दुर्गा जी के दर्शन होते हैं आपको। यहाँ आपको पार्वती माता जी के दर्शन होते हैं, जय माँ। यहाँ आपको गणेश भगवान जी के दर्शन होते हैं, जय श्री गणेश भगवान जी के। यहाँ पे आपको कार्तिकेय भगवान जी के दर्शन होते हैं, जय हो कार्तिकेय भगवान। यहाँ पे आपको संतोषी माता जी के दर्शन होते हैं, जय माँ। यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे आपको गणेश जी भगवान और माता पार्वती जी के दर्शन होते हैं, जय हो माँ, जय श्री गणेश, जय हो प्रभु, जय जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। और भोले बाबा के मंदिर के समीप ही आपको नंदी बाबा के दर्शन होते हैं। जय नंदी बाबा, बहुत ही विशाल मूर्ति है। जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, जय हो प्रभु, जय 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 हो प्रभु, जय। सो हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी हैं। सो पंडित जी, आपका नाम? नलेन मिश्रा। इस मंदिर के बारे में जानना चाहूँगा कि मतलब ये मंदिर कितने साल पुराना है और ये मुख्यतः किनका मंदिर है? ये काली माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कितने साल पुराना मंदिर है? करीब 100 साल पुराना मंदिर है। शुक्रिया, शुक्रिया। सो जैसे आपने भी सुना, पंडित जी ने बताया कि लगभग मंदिर 100 साल पुराना है और माता काली, शिव काली माता जी के मंदिर से प्रसिद्ध है। सो आप लोगों को दर्शन करके कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही विशाल मूर्ति है यहाँ पे नंदी बाबा की। मैं मतलब देख के बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है।
सो आप लोग अगर आना चाहें तो प्लीज़ आइए। ये गुमटी के जो बाज़ार है उसे आप सीधे क्रॉस करेंगे तो चिटी रोड आती है, उसको क्रॉस करके जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको इस मंदिर के दर्शन मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको इसका रास्ता पूरा, मतलब मैंने वीडियो के माध्यम से पूरा बताने का प्रयास किया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक मंदिर के साथ। यहीं से मैं जा रहा हूँ गोविंदपुरी, जहाँ पे एक और मंदिर है, वहाँ के दर्शन करेंगे आज। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाइए। मैं रोज़ाना मंदिर दर्शन सुबह 7 बजे डालता हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही उपकार होगा आप लोग का। जय माता दी, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, सियावर रामचंद्र की जय। मैं माँ काली जी के मंदिर के बाहर से निकल रहा था तो अभी मुझे एक अंकल मिले, बाबा मिले, उन्होंने मेरी हेल्प की है। मुझे एक छोटे से फेसबुक का ग्रुप है बहुत बड़ा, उस पर मेरे वीडियो को शेयर कर दिया। सो मैं आपको दिखा रहा था कौन हूँ, कौन है वो, मैं उनको बताने चाहता कि मैं उनको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा कोई करता है ना तो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं वो लोग। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हैं बाबा खंबे के पीछे, वो बाहर निकले तो मैं उनको दिखाऊँ। तो ये बाबा हैं जिन्होंने मतलब मेरे YouTube चैनल को शेयर किया है, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो अंकल जी ने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सो मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो चलिए चलते हैं अब आगे और एक नए मंदिर की खोज में, सो वहां के आपको दर्शन कराते हैं, चलिए चलते हैं।